सिंगरौली में नगर निगम ने बरसात पूर्व सभी क्षेत्रों में तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। नगर निगम कमिश्नर ने सभी कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिक निगम के बरसात के चलते सभी वार्डों में तैयारी पूर्ण कर ली गई है। नगर निगम कमिश्नर शिवेंद्र सिंह द्वारा शहर में भ्रमण कर निगम के कर्मचारियों को साफ सफाई के लिए निर्देशित किया, ताकि कहीं भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। निगम कमिश्नर शिवेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में आपदा प्रबंधन का कंट्रोल 24 घंटे चालू रहेगा। तीनों जोनों में अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि कहीं से भी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस दौरान नगर निगम के कार्यपालन मंत्री पी उपाध्याय ने खुद उपस्थित होकर नालों की सफाई की कार्रवाई की। हम लोगों ने वर्षा पूर्व ही सारी तैयारियां कर रखी है। यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है, और जहाँ से जैसी शिकायत आती है वो तो हमारी टीम तुरंत पहुँच जाती है। आज ये पहली बरसात है जिसमें एक दो जगह से ये शिकायत प्राप्त हुई कि पानी का भराव हो रहा है, तो सहायक यंत्रियों के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पे 5 टीमें काम कर रही हैं। अभी जैसे हर्रई से, हर्रवा से, LIG कॉलोनी से, इन जगहों से शिकायतें प्राप्त हुई थी। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है कि लोग बेतरतीब तरीके से बस गए हैं, तो वहाँ पे नाली और इसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है, इस कारण से भी ये दिक्कतें आती हैं। नगर निगम पूरा तत्पर है और इसके साथ ही वर्षा ऋतु के दौरान कीटनाशक का भी और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।